शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म जीरो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। इस फिल्म के आने से पहले हर किसी को बहुआ सिंह से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म फैंस के दिलों में जगह बनाने में नाकामयाब साबित हुई। वैसे तो कामयाबी शाहरुख खान के कदम चूमती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब ऑडियंस उनकी फिल्मों को एकदम नकार देते हैं। हैरी मेट सेजल की नाकामयाबी के बाद जीरो को लेकर काफी बस था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की रेस में काफी पीछे रह गई। लेकिन अब जीरो के फ्लॉप होने पर बहुआ सिंह यानी शाहरुख खान ने अपना बयान दिया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने जीरो के फ्लॉप हो जाने पर अपने विचार रखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो कितनी शिद्दत के साथ अपनी फिल्म को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। शाहरुख ने इस पर बात करते हुए कहा कि मैंने कभी उन फिल्मों से सफलता नहीं पाई जिनसे मैंने उम्मीदें की थी। सच बताऊं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक किंग हूं, और किंग को तो अपनी मर्जी से फिल्मों का चुनाव करने की आज़ादी होती है। अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो आप किंग कैसे हो सकते हैं। मैं हमेशा अपनी फिल्म को बेटी की तरह मानता हूं। लोग अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्चा करते हैं, तो मैं अपनी फिल्मों को बेहतरीन बनाने के लिए पानी की तरह पैसा क्यों नहीं बहा सकता। मेरी तो यही इच्छा होगी कि जो भी मेरी बेटी की शादी में आए वो खुश होकर ही वापस जाए। अब शाहरुख की इस बात से इतना तो साफ है कि भले ही उनकी फिल्म जीरो ऑडियंस के दिलों में जगह नहीं बना पाई, लेकिन वो अपना काम बखूबी से जानते हैं और वो हार न मानते हुए अपना काम जारी भी रखेंगे। बात करें शाहरुख की अगली फिल्मों की, तो फिलहाल वो जल्द ही राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि आप शाहरुख के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।